दोस्तों आपने इंटरनेट पर कई वीडियो देखी होगी, यहाँ पर कोई आपको सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद डालकर पीने की सलाह देता है, तो कोई आपको वजन कम करने के लिए चिया बीज के सेवन करने की बात करता है। हमारी आज की इस वीडियो में कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन जहाँ इंटरनेट पर तरह तरह के चीज़ें इस्तेमाल कर आपकी ज़िंदगी में पैसे खत्म होने के अलावा कोई और ज़्यादा फर्क नहीं आया होगा, लेकिन आपके घर में किचन में मिलने वाली एक खास जड़ी बूटी से बिना ज़्यादा पैसे और घंटों की मेहनत की आप आसानी से इस्तेमाल कर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज दुनिया ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर चाय और खाने के मामले हो या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट। खासकर अगर खाने की बात करें तो हर दूसरा इंसान इंटरनेट पर दादी नानी के आयुर्वेदिक नुस्खे बता रहा है। ऐसे में जब इतने सारे लोग हर रोज़ सुबह खाली पेट कभी ये खाने तो कभी वो पीने की सलाह देते हैं, तो आखिर बेचारा आदमी खाली पेट क्या खाएगा और क्या पिएगा, ये भी एक समस्या बन जाती है। और इससे भी ज़्यादा दोस्तों, किसी भी आयुर्वेदिक चीज़ को रूटीन में अपनाने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक शख्स अलग अलग है, उसके शरीर की बनावट अलग अलग है और कोई चीज़ उसके शरीर पर कैसे रिएक्ट करेगी ये भी अलग ही होता है। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में आपको लहसुन खाली पेट खाना चाहिए ये बताने के बजाय हम आपको लहसुन में मौजूद तत्व और फायदे के साथ साथ होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे, ताकि आप भी प्रकृति और शरीर के लक्ष्य के मुताबिक इसे अपनाने और ना अपनाने के बारे में खुद ही सोच सकें। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि हर भारतीय के घरों में लहसुन का इस्तेमाल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने के स्वाद को बढ़ाने वाली लहसुन में ऐसे औषधि गुण मौजूद हैं कि जो आपके सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है। लहसुन में एल्किन नामक औषधि तत्व पाए जाते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। लहसुन में विटामिन बी और विटामिन ए बी की ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें मैंगनीज, कैल्शियम, सेलेनियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही जरूरी होता है। वैसे तो आप लहसुन को किसी भी वक्त खाओ ये फायदेमंद ही साबित होगा, लेकिन खाली पेट लहसुन को पानी के साथ पीने से शरीर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। खासकर सुबह खाली पेट एक गिलास पानी के साथ कच्चा लहसुन खाने से सेहत को कई तरह के चमत्कारी लाभ मिल सकते हैं। इनफैक्ट आयुर्वेद में लहसुन को सबसे खास जड़ी बूटियों में से एक माना जाता है। इसका इस्तेमाल गले और पेट से जुड़ी बीमारियों में होता है। दरअसल लहसुन में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा सर्दी खांसी जैसे समस्याओं में भी लहसुन आराम देता है। अब आइए लहसुन के फायदे के बारे में एक बार जरा डिटेल से जान लेते हैं। बढ़ते वजन को कंट्रोल करता है। दोस्तों अगर आप भी उनमें से हैं जो जेब ढीली करके महंगे योगा क्लासेस और जिम मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है, तो अब आप सिर्फ सुबह उठकर खाली पेट कच्चे लहसुन का सेवन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कई स्टडी में यह साबित हुआ है कि कच्चा लहसुन खाली पेट खाने से वजन घट सकता है, कोल्ड और फ्लू में करता है ये मदद। क्या आप ये जानते हैं कि लहसुन में एंटीबायोटिक और एंटी फंगल के गुण काफ़ी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करते हैं। इसीलिए अगर आपको भी कोल्ड और फ्लू की समस्या है तो इसका सेवन जरूर करें, शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है लहसुन। लहसुन के औषधीय गुण शरीर को शुद्ध करने में मदद करते हैं। लहसुन में सल्फाइडेड यूरिक होते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है और इससे खून भी शुद्ध हो जाता है। पाचन प्रक्रिया में होता है सुधार। एक्सपर्ट की माने तो सुबह के समय खाली पेट लहसुन पानी के साथ सेवन करने से पाचन प्रक्रिया में सुधार होता है, गैस और पेट की सूजन में भी राहत मिलती है। इसके अलावा ये पेट से संबंधित समस्या जैसे पेट दर्द, दस्त और सूजन जैसी चीज़ों को भी दूर करने में मदद करता है। हड्डियों के स्वास्थ्य, अगर आप सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन और एक गिलास पानी का सेवन करते हैं तो ये कैल्शियम की कमी को दूर करता है, इससे हड्डियां स्वस्थ और मजबूत होती हैं।
और मासिक गर्भ के समय होने वाले दर्द को लहसुन से राहत मिलता है और साथ ही साथ शरीर में एंट्रोजन का स्तर बढ़ाए रखने में मदद करता है। इम्यूनिटी, कच्चे लहसुन को इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मजबूत इम्यूनिटी शरीर की कई वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मदद भी करता है। लहसुन को शहद के साथ खाने से भी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कोलेस्ट्रॉल, लहसुन खाने से शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसके स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। तो अगर आप अभी अगर ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान है तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ब्लड प्रेशर, दोस्तों अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो भाई साहब क्लिनिक में जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि लहसुन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लहसुन में बायोरिएक्टिव स्तर पर यूरिक एसिड या एलेस्ट्रिन मौजूद होता है, जो ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, पुरुष के लिए तो लहसुन का सेवन बेहद ही फायदेमंद होता है। दरअसल लहसुन में एप्रोडी एसेंसेज पाया जाता है, जिसमें इच्छा बढ़ाने के लिए जाना जाता है। लहसुन में एलिसन का एक पदार्थ पाया जाता है, जो पुरुषों के लिए मेल हॉर्मोन्स को ठीक करता है। इसके अलावा लहसुन का सेवन करने से पुरुषों के इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या भी दूर हो जाती है। लहसुन से स्पर्म क्वालिटी बढ़ती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज अति नुकसानदायक होता है। लहसुन का ज़्यादा सेवन करने से एसिडिटी की समस्या, पेट में दर्द, पेट फूलना और गैस बनने लगती है। इसके अलावा अगर आपको सिर दर्द की समस्या ज़्यादा रहती है तो आप लहसुन का ज़्यादा सेवन ना किया करें। एक्सपर्ट की माने तो एक दिन एक आदमी को 4 ग्राम यानी कि 1 से 2 कली ही खानी चाहिए और सब्जी में भी 5 से 7 कलियां ही डालनी चाहिए। तो दोस्तों देर किस बात की, तो कल से ही रोज़ सुबह खाली पेट ताज़ा लहसुन खाना शुरू कर दीजिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। लेकिन दोस्तों इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस चैनल में। ओके, जय हिंद दोस्तों।